डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे तो बेटा आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ नाइन्थ क्लास बहुत इंपॉर्टेंट पेपर मैथमेटिक्स का बेटा अगर आपने पूरा साल तैयारी नहीं की तो जस्ट आप लोगों ने ये पेपर तैयार कर जाना है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बुक में से आपने क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या छोड़नी है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली इन अगर आपने ये वीडियो देख ली पूरा साल नहीं पढ़ा तो आप लोग ये वीडियो देख के ही पास हो जाएंगे अलबत् आप लोग सिक्सटी सिक्सटी फाइव नंबर भी ले सकते हैं अगर आप लोग थोड़े से मेहनती बच्चे हैं तो तो बेटा जो पहली चीज़ आपने तैयार करनी है नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स की बुक में से वो है आपने इसके एम सी क्यू रटने हैं भाई एम सी क्यूज़ बेटा पंद्रह नंबर के आएंगे दस एम सी क्यूज़ आपके एक्सरसाइजों में से आएंगे जो मशकों में दिए हुए हैं रिव्यू एक्सरसाइज उनमें से आ जाएंगे और तकरीबन चार या पाँच एम सी क्यूज़ ऐसे होते हैं जो कि सवालत बने होते हैं आपका क्वेश्चन सोल्व करके जो है उसका आंसर लगाना होता है तो बेटा सबसे पहली चीज़ आपने ये तैयार करनी है अगर आप लोग अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स में आपने एम सी क्यूज़ बेटा रट लेने हैं सारे एम सी क्यूज रट लेने हैं ठीक है इस वीडियो का फॉरन खत्म होने के बाद पहला काम आपने एम सी क्यूज़ करना है दूसरा काम बेटा आपने जो करना है इस बुक में से वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और कौन से चैप्टर में से आपने क्या क्या पोर्शन करना है सारी तफसी शेयर करता हूँ तो बेटा जल्दी से आपने अपनी बुक ले आ नहीं है ठीक है नाइन्थ क्लास की अपनी बुक लें मैं तमाम बच्चों को बताता हूँ तो बेटा पहले चैप्टर पर आना है अपने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट वाले पे तो बेटा आगे बढ़ने से पहले आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है आप बेटा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो काइंडली तमाम बच्चे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दें और बेटा नोटिफिकेशन बेल को आल पे लाजमी सेलेक्ट कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक फौरन पहुंच जाए और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया बेटा वीडियो को लाइक कर दें जल्दी जल्दी ताकि वीडियो बाकी बच्चों को भी जल्दी मिल जाए तो बेटा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वन पे आना है उसका आखिरी क्वेश्चन आपने करना है वन पे आना है बेटा उसका आपने करना है आखिरी क्वेश्चन ठीक है जस्ट आपने आखिरी क्वेश्चन करना है जिसमें ए बी और सी डी की कीमतें फाइंड करनी है इसी तरह बेटा आपने वन पॉइंट टू पर आ जाना है तो बेटा वन पॉइंट टू में से आपने कौन कौन से सवालत करने हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वन पॉइंट टू में से बेटा आप लोगों ने करना है जी पार्ट नंबर सिक्स और पार्ट नंबर फाइव ट्रांसपोज वाला करना है और उसके बाद नीचे पार्ट नंबर एक सिक्स दिया हुआ है जिसमें आपने ट्रांसपोज वाला जो है वो इक्वल साबित करना है उसके बाद बेटा वन पॉइंट आपने आ जाना है थ्री पे तो बेटा वन पॉइंट थ्री में से आपने जो सवाल करने हैं वन पॉइंट थ्री का बेटा आपने क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन और एट करना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला सिक्स सेवन और एट इसी तरह बेटा आपने 1.4 पे आ जाना है 1.4 का क्वेश्चन नंबर टू करना है साथ साथ बेटा टिक लगाते जाएं इन आपका पेपर इसी में से आएगा क्वेश्चन नंबर टू करना है क्वेश्चन नंबर थ्री है मल्टीप्लाई वाला उसमें क्वेश्चन नंबर वन करना है और क्वेश्चन नंबर फाइव करना है क्वेश्चन नंबर फोर है बेटा उसमें से आपने करना है क्वेश्चन नंबर डी और क्वेश्चन नंबर ई बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर सिक्स आपने कंप्लीट करना है वन पॉइंट फोर का मेरा पहला चैप्टर है इसमें से तकरीबन तकरीबन जो है वो अगर हम एस्टीमेट पे लगाएं तो आप लोगों का दस बारह नंबर का पेपर बन जाता है पहले चैप्टर में से द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने दो तीन शॉर्ट आने हैं और एक एम सी ओज में आने ही आने हैं हंड्रेड परसेंट कन्फर्म है आने ही आने हैं इस चैप्टर में से ठीक है तो बेटा 1.5 पे जाते हैं जी 1.5 में से बेटा आपने आ, कौन कौन से करने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ 1.5 में बेटा आपने क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर वन करना है वो पार्ट नंबर थ्री करना है मक्ता फाइंड करना है डिटर्मिनेंट फाइंड करने वाला ये आपने करना है उसके बाद कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं नादर है या गैर नादर है ये आपने करना है क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट नंबर चौथा क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट नंबर चौथा करना है आपने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ठीक है जरबी मकूस बेटा फाइंड करना है आपने क्वेश्चन नंबर फोर फाइव और सिक्स आपने कंप्लीट करने हैं इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर सॉरी एक्सरसाइज नंबर वन पॉइंट सिक्स है बेटा इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है हर साल आता है इस साल भी आएगा तो कभी चार नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कि आपने इक्वेशन दी गई होगी आपने उसको क्रैमट के कानून से हल करना है या तो आ, जो है वो बाय इन्वर्जन मैथड ठीक है मैट्रिक्स के कालबों के तरीके से आपने हल करना है लेकिन ये लोग क्वेश्चन आएगा लाजमी वन पॉइंट सिक्स में से हर साल आता है तकरीबन सारे बोर्ड में तो बेटा इंपॉर्टेंट है ये आपने लाजमी तैयार करना है इसका क्वेश्चन नंबर बेटा फोर फाइव सिक्स और सेवन आपने तैयार करना है वन पॉइंट सिक्स का इसी तरह बेटा आपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर टू पर आ जाना है टू पॉइंट वन नहीं करनी है आपने टू पॉइंट टू पर बेटा आ जाना है टू पॉइंट टू का आप लोगों ने आ जो है वो वो भी छोड़ देनी है 2.3 का लास्ट डब्बा करना है बस थ्री वाला ठीक है 2.4 पे आ जाना बेटा, है बेटा 2.4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं इसमें से 2.4 का क्वेश्चन नंबर वन का बेटा पहला पार्ट उसके बाद चौथा पार्ट क्वेश्चन नंबर टू पूरा क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट नंबर वन और टू ठीक है और जो तीसरा पार्ट है वो एज अ शॉर्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों को मे भी यहाँ पर स्क्रीन पर दिख भी जाएंगे ये वाले जो बेटा सवाल आते हैं ठीक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले तो बेटा उसके बाद टू पॉइंट फाइव है जी आयोटा वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहला क्वेश्चन ग्वै, है उसका पहला पार्ट चौथा पार्ट पांचवा पार्ट इसी तरह उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर आपने कंप्लीट करना है देन बेटा आपने आ जाना है जी टू पॉइंट सिक्स पे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से शॉर्ट आएंगे दूसरे डब्बे में से और तीसरे डब्बे में से दूसरे में से जो शॉर्ट आता है वो चौथा पार्ट और तीसरा पार्ट है तीसरे क्वेश्चन में से बेटा पार्ट नंबर आपने दूसरा करना है तीसरा करना है और चौथा करना है उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर है उसमें से बेटा आपने पार्ट नंबर फाइव करना है और सिक्स करना है उसके बाद बेटा आपने करने है जी क्वेश्चन नंबर सिक्स का पार्ट नंबर वन और पार्ट नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सेवन बेटा तीन क्वेश्चन है इसमें लॉन्ग है तीनों ठीक है ये देखें आईओटे वाले मे भी आपको स्क्रीन <coughs> पर जो है सॉरी यहाँ पे दिख भी जाएंगी ये वाली क्वेश्चन ये तीनों आपने करके जाने हैं लॉन्ग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आएगा इसमें से हंड्रेड गारंटी है कि आएगा उसके बाद बेटा आपने नेक्स्ट चले जाने इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में दो तीन क्वेश्चन है इसी तरह के ठीक है ये टू पॉइंट फोर की तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं आपने ये करने हैं आएंगे पेपर में लास्ट में और बेटा लुगाथम है जी थ्री पॉइंट वन ये शॉर्ट के लिए है आपने कैलकुलेटर पर आपको निकाल लाना चाहिए सेंडिफिकेशन कैसे निकालते हैं उसके बाद बेटा थ्री पॉइंट टू है इसका क्वेश्चन नंबर आपने थ्री करना है क्वेश्चन नंबर फोर पूरा करना है क्वेश्चन नंबर फाइव बेटा करना है आपने दोनों पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स का पार्ट नंबर थ्री और पार्ट नंबर फोर करना है आपने बेटा थ्री पॉइंट आगे चले जाते हैं जी हम थ्री पे तो इसका क्वेश्चन नंबर टू करना है आपने क्वेश्चन नंबर फोर पूरा करना है ठीक है बस बेटा इसके यही करने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है थ्री पॉइंट फोर बेटा नो क्वेश्चन आएगा और हर साल आता है इस साल भी आएगा इसका क्वेश्चन नंबर थ्री फोर फाइव सिक्स और एट ये आपने करने हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको तरीका कार आना चाहिए क्वेश्चन चाहे जहां से मर्जी दे दें लेकिन एक्सरसाइजें मैंने बता दें वन पॉइंट सिक्स में से लॉन्ग आता है टू पॉइंट फोर में से आता है टू पॉइंट सिक्स में से लॉन्ग आता है और वन पॉइंट सॉरी थ्री पॉइंट फोर में से चार मशकें बेटा मैंने बताई हैं चार मशकें कर लो आप लोगों के लोंग डन है आप लोगों के सोलह नंबर बन जाएंगे उसके बाद मैं थ्यूरम की तरफ आएंगे थ्यूरम आपको बताता हूँ इसमें बेटा चैप्टर नंबर फोर पे आना है चैप्टर नंबर फोर में से भी लॉन्ग आता होता है सो चैप्टर नंबर बेटा फोर में से आपने फोर पॉइंट वन पर आना है तो इसके क्वेश्चन नंबर सिक्स पे जाना है उसका पार्ट नंबर वन और थ्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के हवाले से इसी तरह बेटा नेक्स्ट आपने थ्री फोर पॉइंट टू पर चले जाना है क्वेश्चन नंबर वन दोनों पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर फोर करना है क्वेश्चन नंबर सिक्स करना है बेटा क्वेश्चन नंबर आपने टेन करना है क्वेश्चन नंबर थर्टीन करना है चौदह के दो पार्ट हैं ठीक है एक्स की तीन माइनस वाई की तीन माइनस एक्सम वाई ठीक है ये में भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे वो वाले आपने करने हैं और फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर पंद्रह हैं बेटा इसके अंदर चार क्वेश्चन है चारों रट के जाने हैं अपने पेपर में आएंगे फोर पॉइंट थ्री है बेटा ये शॉर्ट में है सारी तो इसका आप लोगों ने करना है कि क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर थ्री फोर क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट नंबर फोर फाइव क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट नंबर वन और फोर क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट नंबर टू फोर और फाइव ठीक है इसी तरह बेटा आपने नेक्स्ट जो है वो 4.4 पे चले जाना है इसके लिए लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर फाइव पूरा करना है क्वेश्चन नंबर सिक्स पूरा करना है इसी तरीके से बेटा आपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर फाइव है इसको तैयार कर लेना बाकी लोंग मैंने आपको बता दिया है लोंग के लिए पहले चार चैप्टर तैयार करने और थीरम आपने तैयार करना है चैप्टर नंबर बारह का कर लो या सोलह का बेटा जो आपने स्कूल में किए हुए हैं ना या अकेडमी में किए हुए हैं वही थियरम याद कर नए सिरे से याद करने की जरूरत नहीं है बाकी अहम कौन से इनशाला नेक्स्ट वीडियो में आपको गेस्ट पेपर मिल जाएगा बकायदा कि ये थ्यरम पेपर में आना है बकायदा बोर्ड के हिसाब से भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको बता दूँ अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को ढेरों कामयाबी अल्लाह करे वो तमाम बच्चे जो किस चैनल से जुड़े हुए हैं वो तो बच्चे बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाए तो बेटा डेफिनेशन आएंगी पेपर में वो रटनी है आपने रटने हैं जो चैप्टर आपको बताए हैं ये रटने हैं थ्योरम वाला जो चैप्टर बताया वो रटना है आप लोग फिफ्टी प्लस सिक्सटी प्लस नंबर ले लोग सिर्फ इतना पोर्शन करके ही आप सबको डेनो कामयाबियां दे और बेटा लाजमी तौर तो पर पे गैस पेपर को फॉलो कीजिएगा जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा इन शायद नेक्स्ट वीडियो में तो बेटा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में खुदा हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद